टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत कुछ बदलाव हुआ इन दिनों, एंड कल से जो है नए प्लान्स लागू हो जाएंगे 6 दिसंबर से, एंड बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस आने वाले हैं। आपको जो आपकी जो कोस्ट है वो बढ़ने वाली है, एंड डेफिनेटली आप जो फ्री यूज़ करते थे वो फ्री कुछ भी नहीं रह गया है। हर कंपनी जो भी अभी मार्केट में है, 4 कंपनी है, वो चारों के जो है अब पैसे लगेंगे आपको कूलिंग वगैरह के हर चीज़ के। तो आज हम बात करेंगे क्यों ये ट्रैफिक प्लान्स बढ़े हैं, ये क्या इफेक्ट होगा, आप कौन सा अच्छा चूज कर सकते हैं और इसका अल्टरनेटिव क्या है। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सर्फिंग क्रिएशंस। चलिए शुरू करते हैं। हे एवरीवन, तो सबसे पहले बात आती है कि जो इंक्रीज है प्लेन्स में वो क्यों हुआ है। अगर आपने न्यूज़ देखी है तो पिछले कुछ महीनों से है ना बहुत कुछ जो है बवाल मचा हुआ है। जो मेजर कंपनीज है उनको काफ़ी लॉस उठाना पड़ा है, जिसकी वजह से क्या हुआ है प्लेन्स में क्या है इंक्रीजमेंट करना पड़ा है उनको। उनको जो है जो आपकी प्राइस है वो अप टू 40% जो है इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे कुछ कंपनियों का 20 है 30 है प्लान के हिसाब से है वो, बट वो अप टू 40% इंक्रीज हो गया है। इसका सबसे बड़ा रीजन जो है बढ़ते टैक्सेस हैं, एंड मोनोपोलीज ये क्रिएट कर दी थी जियो ने सब कुछ फ्री देने के बाद। जो तो दूसरी कंपनियां हैं उनको सेटअप करने में उनको इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, उनको लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव करना उनके लिए डिफिकल्ट हो रहा है। तो उनकी वजह से उनको ट्रैफिक प्लान्स निकालने पड़े, क्योंकि कंपनियों की जो पैसे जाते हैं वो कहाँ से जाते हैं, सिर्फ एक चीज़ से जाते हैं, जो आप रिचार्ज कराते हैं चाहे वो प्रीपेड है चाहे पोस्ट पेड, इसके अलावा उनकी कोई इनकम नहीं है। बट अगर आप देखें जैसे कि अब 3G से 4G में शिफ्ट हुए हैं, एयरटेल है, वोडा है, जियो ने तो शुरुआत ही 4G से की थी तो उसका तो सेटअप ही वहीं से था, बट शिफ्ट करने में बहुत कॉस्ट आती है, एंड वो कॉस्ट कहाँ से रिकवर होगी, वो कस्टमर से ही तो होगी, कंपनी कहाँ से दे। ऊपर से जो है गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह लगा रही है, इतना कुछ हो रहा है, तो कंपनी जो है लॉस में इतनी चल रही है, जिसकी वजह से क्या किया गया है कि कंपनियों ने डिसाइड किया है कि वो अपने प्लान्स को जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव करेंगे, महंगा करेंगे। अब फ्री में जो बात होती थी वो नहीं होगी, अब 0.6 पैसे पर मिनट के हिसाब से जो है चार्ज होंगे आपके नॉन यूजर के लिए। जैसे कि आपकी वोडा है तो आइडिया है, आप वोडा है तो उसके आइडिया से आइडिया में करेंगे तो कोई चार्ज नहीं है, वोडा से वोडा में करेंगे तो कोई चार्ज नहीं है, बट अगर आप दूसरे ऑपरेटर पे करते हैं तो चार्ज लगेगा। अब दूसरी बात यहाँ पे आती है फ्रॉम व्हेन ये इंप्लीमेंट कब से होगा, वो कल से इंप्लीमेंट हो रहा है, 6 दिसंबर से इंप्लीमेंट हो जाएगा ये। आपके जो प्रीवियस जो रिचार्ज करे हुए हैं आपने उन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट जो आप नेक्स्ट कराएंगे वो एक्सपेंसिव होंगे एंड उसके हिसाब से ही चलेंगे। अब बात आती है इसका इफेक्ट क्या होने वाला है। इफेक्ट ये होगा सिंपल सा कि आपका जो है खर्चा बढ़ जाएगा, और तो कुछ इफेक्ट होने वाला है नहीं। जो आपकी अनलिमिटेड कॉलिंग थी वो खत्म हो जाएगी, अनलिमिटेड नहीं बात कर पाओगे आप, आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा कॉलिंग का अलग से। अब जो इंटरनेट का है, मैसेजेस का है, एंड रिचार्ज जो कॉलिंग का होता था, अब कॉलिंग का आपको अलग से रिचार्ज कराना पड़ेगा, इससे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, बस आपकी जो है लिमिटेड हो जाएगी। बट डेफिनेटली ये कोई बड़ा इशू नहीं है, आपको जो है कंसर्न इसकी तरफ नहीं होना चाहिए। बजाय इसके मेरे हिसाब से अगर आप अपनी जो चीज़ आपका करियर वगैरह उस पर फोकस ज़्यादा करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे 100-200 रुपये ज़्यादा देने से कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। क्योंकि पहले भी अगर आप देखेंगे तो पहले तो आप हर चीज़ का पैसा देते थे और बहुत ज़्यादा रेट होता था, बट अब तो बहुत मिनिमम हो गया है। अब फोर्थ जो चीज़ आती है वो ये आती है कि विच इज़ बेस्ट टू चूज। अब आप ये सोचेंगे कि 4 ही कंपनियां, पहले आप देखते थे 10 कंपनियां थी, बट वो इतना लॉस उठाने के बाद, जियो के आने के बाद कंपनियों ने इतना लॉस उठाया जिसकी वजह से जो वो कंपनियां बंद हो गई हैं, ऊपर से पॉलिसीज इतनी बदल रही हैं, तो हुआ कि अब बस मार्केट में 4 ही कंपनियां हैं। अगर मैं कहूँ तो 3 ही कंपनियां, क्योंकि 2 तो मर्ज हो चुकी हैं, आइडिया और वोडाफोन तो एक है, बाकी एयरटेल है, और दूसरी तीसरी जो है वो जियो है, तो ये 3 ही कंपनियां बची हुई हैं। लेकिन अगर ये भी अगर अपने ट्रैफिक नहीं बढ़ाएंगी तो अपने प्लान्स के कॉस्ट नहीं बढ़ाएगी तो सिर्फ एक ही मार्केट में कंपनी रह जाएगी, वो होगी जियो, और ये मोनोपोली बन जाएगी। तो मेरे हिसाब से मोनोपोली नहीं बननी चाहिए, क्योंकि अगर मोनोपोली हो जाएगी ना तो कंपनी जो है जियो वो कुछ भी चार्ज कर सकती है आपको अपने हिसाब से, उसमें आपका कोई वो नहीं होगा फिर। तो इसीलिए कंपटीशन रहना बहुत ज़रूरी है, और मैं जो प्लान जो चेंज हुए हैं उसको मैं गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि यार कंपनी का सर्वाइव करना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप देखेंगे अगर एक कंपनी बंद होती है तो बहुत सारे लोगों की जॉब भी जाती है, बहुत सारे लोग इनमें जॉब भी करते तो उनकी जॉब भी जाएगी, तो मेरे हिसाब से सही कदम है, कोई ज़्यादा बड़ा इशू। पे बात आती है कि विच इज बेस्ट टू चूज, तो मैं आपको प्लान्स के बारे में एक बार बता देता हूँ वो रिव्यू। यहाँ पे आपको एक चीज का जो फर्क पड़ने वाला है, मैंने आपको बताया था कि अप टू 40% जो प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं, एंड जियो ने भी जो है अपने प्राइसेस इंक्रीज कर दिए, बट जियो ने थोड़ा सा बेनिफिट देते हुए यूजर्स को अपने पास बनाए रखने के लिए थोड़ा सा बेनिफिट दिया। यहाँ पे क्या चीज आपको बेनिफिट में मिलेगी जियो में, अगर आप
555 का जो प्लान है, जो 84 डेज का प्लान है, पहली बात तो मैं बता देता हूँ कि 444 से बढ़ के वो 555 का हो गया है, एंड इसमें 1.5 GB डाटा होगा। लेकिन अगर आपको 444 वाला 2 GB डाटा वाला चाहिए तो वो आपको 599 में मिलेगा। अगर यहाँ पे जो 555 वाला प्लान है, मैं एयरटेल और एयरटेल में देखता हूँ, तो एयरटेल में वही प्लान आपको 598 का मिलेगा, एंड 2 GB डाटा वाला प्लान आपको मिलेगा 698 का। मतलब बात ये हुई कि जियो में अगर आप 1.5 GB वाला प्लान लेते हैं 84 डेज के लिए, तो आपको वो पड़ने वाला है 555 का, जो कि एयरटेल और आइडिया से 50 रुपये कम पड़ेगा। और ऐसे ही अगर आप 2 GB वाला प्लान लेते हैं तो जियो जो है 100 रुपये सस्ता पड़ेगा एयरटेल और आइडिया के मुकाबले। ठीक है, मैं दूसरा दिखा देता हूँ यहाँ पे, वोडाफोन आइडिया का, ये आपका 598 का है जो कि 1.5 GB का है, और ये 698 का जो कि 2 GB का। एंड सबसे एक चीज़ और बात है, यहाँ पे आपको 1000 मिनट्स मिलेंगी दोनों में, बट जियो आपको जो है 3000 नॉन जियो मिनट्स देगा, तो ये भी आपका एक बेनिफिट है। बट इसके अलावा एक वो चीज़ हो रहा है, अगर आप इसमें रिचार्ज नहीं कराते तो आपको एक्टिवेशन कराने के लिए आपको 98 रुपीज़ पर मंथ जो है वो देना पड़ेगा, ताकि आपका जो मैसेज वगैरह SMS वगैरह आते रहें। ये एक ड्रॉबैक है इसका। बट दूसरी बात ये भी है कि ये डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर, आपके जगह के ऊपर की अवेलेबिलिटी नेटवर्क की किसकी अच्छी है, आप उसके हिसाब से वही चूज करेंगे। इससे सस्ता होने से कुछ नहीं होता। अगर आप उस एरिया में आपकी अवेलेबिलिटी नहीं है, या फिर जियो के सर्वर जो है अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, फास्ट नहीं है जितने एयरटेल या आइडिया के हैं, तो आप वही प्रेफर, मेरे हिसाब से वही प्रेफरेंस होगी। बट ये कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज आती है वो ये आती है कि प्राइस ऑल ओवर सब सेम है, बस जो आपको बेसिक सा डिफरेंस है वो मैंने बता दिया यहाँ पे, क्या बेसिक डिफरेंस आपको मिलने वाला है इसके अंदर, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको क्या चाहिए। अब बात करते हैं, हम एक क्वेश्चन उठता है जो कि है लास्ट क्वेश्चन है, एंड वो है व्हाट इज द अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव क्या है इसकी। तो बेसिक सी चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको नेट बहुत ज्यादा यूज होता है आपके घर में, तो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव आपका होने वाला है ब्रॉडबैंड। आप ब्रॉडबैंड यूज कीजिए, ठीक है, क्योंकि उसमें आप कितने भी बंदे को जोड़ सकते हैं आपके घर में, अनलिमिटेड चलेगा वो, 700 रुपये 800 रुपये पर महीने की कॉस्ट आएगी उसकी, बट आप कितना भी यूज कर सकते हैं। मैं भी खुद ब्रॉडबैंड यूज करता हूँ, मैं इंटरनेट का मोबाइल इंटरनेट का इतना इस्तेमाल नहीं करता हूँ। दूसरी बात आती है, अगर आपको कॉलिंग अनलिमिटेड करनी है तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप इंटरनेट कॉलिंग कीजिए, व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, या जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, आप कितनी भी देर कॉलिंग कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो है लैंडलाइन का, लैंडलाइन में आज भी कोई कॉस्ट नहीं है, कोई भी जो दूसरे यूजर से मिलाएंगे आप कितनी भी बातें कर सकते हैं, अनलिमिटेड बातें होंगी, कुछ भी कर सकते, कितनी देर, पूरा दिन, आधे दिन, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं, उसमें कोई कॉस्ट आपकी नहीं लगती। तो ये बेसिकली दो अल्टरनेटिव है जिसके जिनकी तरफ आप जा सकते हैं, जो डेफिनेटली आपके लिए अच्छे होंगे। बट अगर आपको मोबाइल प्लान ही चाहिए, मोबाइल में ही चाहिए, और लैंडलाइन वगैरह ये नहीं यूज़ करना है, तो आपको डेफिनेटली जो है पे ज़्यादा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हर कंपनी जो है 0.6 पैसा चार्ज करेगी पर मिनट के हिसाब से। बट ये डिपेंड करता है कि आप ऑफर देख लीजिए, ऑफर अभी भी जियो के जो है सस्ते ही हैं थोड़े से दूसरों के मुकाबले। बट बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां मैंने खुद देखा है कि एयरटेल की बहुत अच्छी रेंज है, जियो आता ही नहीं है, तो अगर मैं वहां पे रहूंगा तो मैं ऑब्वियसली बात है एयरटेल ही प्रेफर करूंगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थी आज की वीडियो, एंड कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।